भाजपा के शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार और लचर कानून व्यवस्था से नाराज कांग्रेसियों ने एक दिवसीय मौन सत्याग्रह प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। वहीं इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांधकर इस सत्याग्रह प्रदर्शन में भाग लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा शासन में प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया गया। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी लगाकर मौन सत्याग्रह प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में मौजूद सभी कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इन लचर कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ ही हो रहे दुराचार के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार प्रदेश में माता बहनों को सुरक्षा व लचर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर ये सत्याग्रह आंदोलन किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर, सभापति, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस पार्षद, पूर्व एल्डरमैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 9 महीने हो गए। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में तो यह सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। आज महिला उत्पीड़न की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। महिला सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल करने में यह सरकार पूरी तरीके से फेल्योर रही है। हम आज मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और महात्मा गांधी जी के शरण में जाएंगे। उनसे यही प्रार्थना करेंगे, महात्मा गांधी जी आप राष्ट्रपिता हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए। सत्ता तो उनको मिल गई है, लेकिन वो मनमानी न करें, जन भावनाओं का सम्मान करें, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस बात को लेकर आज हमारा यह मौन सत्याग्रह है और हम करीब 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं और महात्मा गांधी जी के शरण में जाके प्रार्थना करने वाले हैं। नहीं, देखिए वो आरोप क्या लगा है मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस तो जिसकी सरकार होती है उसी का काम करती है और उसका उसका काम भी वही है। तो हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते उनको, लेकिन पुलिस सबके लिए होती है, प्रशासन सबके लिए होता है, सबका ध्यान रखना चाहिए, केवल सत्ता में बैठे नेताओं का नहीं, विपक्ष में भी और आम आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है तब से अपराध लगातार बढ़े हैं। चोरी की, हत्या, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग, अवैध दारू, अवैध गांजा की बिक्री लगातार बढ़ रही है और भाजपा सरकार सोई हुई है। महिलाओं पे अनाचार, अत्याचार और बलात्कार और गैंग रेप की संख्या लगातार इस सरकार में बढ़ रही है और सरकार आंख बूंद के सोई हुई है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक तरफ भाजपा के नेता बड़े बड़े बयान देते हैं कि अगर महिलाओं के साथ कोई घटना होती तो अगले चौक पे यमराज खड़ा है। कहाँ है अब वह यमराज जो अपराधियों के लिए आप बात करते हैं, कहाँ है वो पुलिस? ये भाजपा के लोगों के कथनी और करनी में फर्क है। क्या है कि सरकार की किसकी है ये नहीं, सरकार कितना काम कर रही है। यानी उनका कहना यह है कि महिलाओं पे अत्याचार होने दीजिए, सांसद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो घटनाएं घट रही है वो सही है कि गलत है, इस पे बात कर, घटनाएं रुके कैसी जाए इस पे चर्चा होनी चाहिए, घटनाओं में कार्रवाई कैसे हो इस पे चर्चा होनी चाहिए, घटनाएं कम कैसे हो, महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाए इस पे बात करनी चाहिए सांसद महोदय को, ना कि अगला पिछला की बात करना। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।